नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग अध्ययन करने वाले हैं कोलाइडी विलयन बनाने की विधियां। कौन कौन सी विधियां हैं प्रकृति में जिससे कोलाइडी विलयन बनाया जाता है। कोलाइडी विलयन बनाने की विधियां बड़ा सिंपल मेथड है कोलाइडी विलयन बनाने की विधियों में। चलिए एक एक करके हम लोग सीखते हैं कोलाइडी विलयन बनाने की विधियां क्या क्या हैं। दरअसल इसमें देखिए एक अ है एक ब है। द्रव स्नेही साल बनाने की विधि है, द्रव विरोधी साल बनाने की विधि है। अब जरा दोनों को हम लोग देखते हैं। द्रव स्नेही साल बनाने की विधि, द्रव स्नेही कोलाइड की उपयुक्त विलायक में डालकर हिलाने डुलाने गर्म करने पर द्रव स्नेही साल बन जाता है। बड़ा सिंपल मेथड है। द्रव विरोधी साल बनाने की विधि, द्रव विरोधी साल को निम्नलिखित दो विधियों द्वारा बनाया जाता है। आप देख पा रहे हैं दोस्तों, जब भी आपको द्रव स्नेही कोलाइड बनाना हो, द्रव स्नेही जैसे स्टार जिलेटिन एल्बुमिन हीमोग्लोबिन आप जल में डालेंगे आसानी से घुल जाएगा। तो ये बड़ा सिंपल मेथड है, गर्म करेंगे कुछ भी करेंगे तो ये घुल जाएंगे। बट जो द्रव विरोधी साल बनाने की विधि है इसका फंडामेंटल थोड़ा अलग है, क्योंकि इसमें कुछ आपको अलग से मेथड अपनाने पड़ेंगे। ये देखिए इसमें लिखा है द्रव विरोधी साल बनाने की दो प्रमुख विधि हैं, दो विधियां हैं। पहला है संघनन विधि, दूसरा है परिक्षेपण विधि। बात समझ में आ रही है, संघनन विधि और परिक्षेपण विधि। चलिए एक एक करके हम लोग समझते हैं। पहले संघनन विधि देखते हैं। संघनन विधि के द्वारा दोस्तों कैसे कोलाइडी विलयन बनता है, ये देखिए ये है संघनन विधि। ये रहा संघनन, कंडक्शन मेथड, संघनन विधि। दरअसल इन विधियों में पदार्थ के जो छोटे छोटे कण होते हैं उन्हें भौतिक और रासायनिक विधियों द्वारा कोलाइड के आकार में बदला जाता है, फिर इन्हें हम क्या करेंगे कोलाइड में कन्वर्ट करेंगे। दरअसल जो संघनन विधि होती है, संघनन विधि में हम लोग करते क्या हैं, संघनन विधि में कोलाइड के जो बड़े बड़े कण होते हैं, पदार्थों बड़े बड़े कणों को हम लोग भौतिक रासायनिक विधि द्वारा कोलाइड के आकार में कन्वर्ट कर लेते हैं, फिर किसी तरीके से जल में घुलेंगे और कोलाइडी विलयन बना लेंगे। अब इसमें आप देख पा रहे हैं कई मेथड हैं, जैसे ऑक्सीकरण विधि, अपचयन विधि, जल अपघटन विधि, उभय अपघटन विधि, विलायक विनिमय विधि। आप देखेंगे एनसीईआरटी में दोस्तों एक एक हेडलाइंस ये दिए गए हैं और एक एक करके हम लोग शीघ्रता से नहीं अध्ययन करते हैं। ऑक्सीकरण विधि, ऑक्सीडेशन मेथड क्या है, यहाँ पर आप ध्यान दीजिए। बहुत सिंपल वे में हमने नोट्स को बनाया है। जब H2S के जलीय विलयन में SO2 द्वारा ऑक्सीकृत होता है तो सल्फर साल बनता है। जरा आप समझिए, यहाँ पे हम रिएक्शन के द्वारा ये ध्यान दीजिए, H2S के जलीय विलयन में जब आप SO2 गैस प्रवाहित करेंगे दोस्तों सल्फर साल बनेगा। ये है सल्फर साल, केवल सल्फर का साल है, राइट, और वाटर है, राइट। ये था ऑक्सीकरण विधि। चलिए अब चयन विधि देखते हैं। जब आर्क क्लोराइड को हम लोग क्या कहते हैं, AuCl3, यानी गोल्ड का जो क्लोराइड होता है इसी को हम लोग कहते हैं आर्क क्लोराइड। ये ध्यान में रखें, जब आर्क क्लोराइड का स्टेनस क्लोराइड यानी SnCl2 द्वारा अपचयन होता है तो बैगनी रंग का गोल्ड साल बनता है, जिसे पर्पिल ऑफ कासियस कहते हैं। यहाँ पर देखिए आर्क क्लोराइड है, AuCl3 है, इसका हम अपचयन कराते हैं SnCl2 के द्वारा, यहाँ पर गोल्ड साल बनता है, गोल्ड साल। दोस्तों इसी AU गोल्ड साल को हम लोग पर्पिल ऑफ कासियस भी कहते हैं, और आप देख पा रहे हैं अभिक्रिया फलस्वरूप SnCl4 बनता है। तो ये चीज़ें आप लोग ध्यान में रखना है। चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग जल अपघटन विधि यानी हाइड्रोलिसिस मेथड। हाइड्रोलिसिस जल अपघटन यहाँ पे अपने नाम से परिचय दे रहा है, यहाँ पर कहीं ना कहीं किसी के द्वारा जल का अपघटन होगा, राइट। अब ये देखिए क्या है क्रिया, ये जब फेरिक क्लोराइड का जल अपघटन होता है तो फेरिक हाइड्रोक्साइड साल बनता है, यानी फेरिक क्लोराइड या फेरिक Cl3 का जल अपघटन होगा तो फेरिक हाइड्रोक्साइड साल बनेगा। जैसे फेरिक Cl3 का जब आप जल अपघटन H2O द्वारा कराएंगे फेरिक हाइड्रोक्साइड साल बनेगा और क्या बनेगा, HCl बनेगा, राइट। चलिए अब उभय अपघटन देखते हैं। इसके बाद उभय अपघटन क्या कहता है, डबल डिकम्पोजिशन मेथड। जब आर्सेनियस ऑक्साइड के जलीय विलयन में H2S गैस प्रवाहित की जाती है तो आर्सेनियस सल्फाइड का कोलाइडी विलयन प्राप्त होता है।
दोस्तों जरा आप समझिए, हमने क्या कहा, जब आर्सेनियस ऑक्साइड का जलीय विलयन लीजिए, इसमें H2S गैस को प्रवाहित कीजिए, ठीक, फिर आर्सेनियस सल्फाइड साल बनेगा, इसे आर्सेनियस सल्फाइड का कुलाइडी साल कहते हैं। और एक चीज ध्यान में रखना, ये जो साल होता है दोस्तों, ये ऋणावेशित साल होता है, राइट। कैसा साल होता है? ऋणावेशित साल होता है। जैसे आर्सेनियस ऑक्साइड की आर्सेनियस ऑक्साइड के यहाँ जलीय विलयन में H2O3 के जलीय विलयन में जब हम H2S गैस प्रवाहित करते हैं, आर्सेनियस सल्फाइड साल H2S3 बनेगा और वाटर बनेगा, राइट। चलिए ध्यान दीजिए, अब हम लोग जानते हैं दोस्तों विलायक विनिमय विधि। विलायक विनिमय विधि क्या है? दरअसल ये अब हम लोग जानेंगे दोस्तों विलायक विनिमय विधि। दरअसल विलायक विनिमय विधि में क्या कहता है, इसके बारे में हम लोग जिक्र करते हैं। बड़ा ही सिंपल फंडामेंटल है, ये कुछ है नहीं। इसमें कहता है सल्फर एल्कोहल में, ध्यान दीजिए, सल्फर एल्कोहल में विलय है, यानी सल्फर को जब आप एल्कोहल शराब में डालेंगे तो घुल जाएगी, यानी विलय है, जबकि पानी में अविलय है। सही बात भाई, सल्फर को आप एल्कोहल में डालेंगे घुल जाएगा, बट पानी में वही नहीं घुलता, यानी अविलय है। लेकिन एल्कोहल तथा पानी दोनों मिश्रणीय है। सल्फर को आप एल्कोहल में डालेंगे तो घुल जाएगा, बट पानी में डालेंगे नहीं घुलेगा। लेकिन एल्कोहल और पानी दोनों मिश्रणीय है, एल्कोहल को पानी में डालेंगे घुल जाएगा। फिर हम क्या करते हैं, सर्वप्रथम सल्फर को एल्कोहल में घोलते हैं। देखिए, अब सल्फर को सबसे पहले एल्कोहल में घोलेंगे, इसके बाद विलयन को जल में डालते हैं, यानी कि आपको विलायक विनिमय विधि, देखिए ये अपने नाम से परिचय दे रहा है, विलायक विनिमय, यहाँ पर विलायक का विनिमय किया जाएगा दोस्तों, विलायक का चेंजिंग किया जाएगा, यानी विलायक का क्या किया जाएगा, परिवर्तन किया जाएगा। बात समझ में आ रही है? वही यहाँ पर है। सबसे पहले आप इस सल्फर को किस में डालेंगे, एल्कोहल में डालेंगे, घुल जाएगा, ठीक। उसके बाद इस पूरे विलयन को आप किस में डाल दीजिए, जल में डाल दीजिए। फिर क्या होता है, एल्कोहल के जो दोस्तों कण होते हैं वो धीरे धीरे वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, फिर जो साल बनता है उसी को हम लोग कहते हैं सल्फर साल। ये देखिए, एल्कोहल के कण वाष्प में बन के उड़ जाते हैं, फलतः पानी में सल्फर साल प्राप्त होता है, और ये साल जो होता है ऋणावेशित होता है। तो दोस्तों इस प्रकार से हम लोग कुल 5 विधियों के बारे में सीख पाए। द्रव स्नेही द्रव विरोधी कोलाइड बनाने की 2 विधि है, संघनन विधि, परिक्षेपण विधि। तो संघनन विधि में हम कुल 5 मेथड के बारे में जान पाए। इसमें जो लास्ट मेथड था वो था विलायक विनिमय विधि, और आप समझ पाए विलायक विनिमय विधि में सल्फर साल या कोलाइडी विलयन को कैसे बनाया जाता है। आपने यहाँ पर समझा, सल्फर एल्कोहल में घुलनशील होता है, एल्कोहल में डालेंगे घुल जाएगा, वहीं पानी में डालेंगे नहीं घुलेगा। तब कैसे बनाएंगे, सल्फर को आप क्या करिए, पहले आप एल्कोहल में घोल दीजिए, फिर इसी पूरे मिश्रण को आप जल में घोल दीजिए, फिर आप थोड़ा गर्म कीजिए, तो एल्कोहल के जो कण होंगे वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे, फिर जो सल्फर होगा वो जल के साथ क्रिया करके सल्फर साल बना लेगा, और ये जो साल होता है दोस्तों ये ऋणावेशी साल होता है। अब इसके बाद हम लोग जानेंगे परिक्षेपण विधि, और परिक्षेपण विधि में देखिए क्या किया जाता है। परिक्षेपण विधियों में पदार्थ के बड़े बड़े कणों को तोड़ तोड़ कर कोलाइड साइज के कणों में बदलते हैं, और इसी को हम लोग कहते हैं परिक्षेपण विधि, ठीक। वही मेथड है इसमें जो उसमें था, और परिक्षेपण विधि तीन है इसमें विधियाँ, यांत्रिक परिक्षेपण विधि, वैद्युत विघटन विधि और पेप्टीकरण। तो इन तीनों के बारे में हम लोग जिक्र करेंगे, और ये जो हम लोग जानेंगे दोस्तों ये अब अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे। आज के वीडियो में इतना ही। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर करना न भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स अ लॉट, धन्यवाद।